हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज के इस छोटे से टॉपिक में हम देखेंगे कि विश्व में खेती की शुरुआत किन किन जगहों से हुई है और कौन कौन से जो खेती है वो होती थी। तो वो छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में खेती की शुरुआत करने वाले पहले गाँव का उदय जो है 8000 से लेके 6000 ईसा पूर्व में हुआ था पश्चिम एशिया जौ और गेहूं की खेती के आरंभिक केंद्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम एशिया जो है वो गेहूं और जौ, यानी कि गेहूं और जौ ही जो है सबसे पहले आरंभिक जो है हमारी खेती जो है जिसमें अनाज उगाया गया था, तो जौ और गेहूं ही थे। इन्हीं इलाकों में भेड़ बकरियों के रूप में सबसे पहले पालतू बनाए गए पशुओं को भी देखा गया। कहाँ पर? पश्चिम एशिया में। जार्डन के जरीको और आयन गजल, ईरान के टीप गुरान और अलीकोश, तुर्की के सताल हुयुक और पश्चिमी और जो है उत्तरी सीरिया में क्योन आरंभिक नवपाषाण युगीन गांवों के रूप में क्या है चिन्हित किए गए। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड के स्प्रिट गुफा से भी जो है 10 विभिन्न प्रकार के पौधों जैसे कि बादाम, काली मिर्च, खीरा, सुपारी, फलियां और मटरों के पौधों का प्रमाण यहां से हमें मिलता है। वैसे ये स्पष्ट नहीं है कि ये सभी पौधे मानव द्वारा उगाए गए थे या नहीं, परंतु इतने प्रकार के पौधों की संख्या ये बताती है कि सामान्य खाद्य संग्रह मनुष्य समुदाय मात्र नहीं रह गया था। और अगर हम भारत में बात करें तो मेहनगढ़ की खुदाई से गेहूँ और जौ की खेती एवं भेड़ बकरियों को पालने के प्रमाण भी हमें सबसे जो है पहले मिले हैं। इससे यह संकेत मिलता है, मतलब प्रारंभ यहाँ से जो है मेहरगढ़ से ही जो है हमें खेती दिखाई पड़ती है। यह संकेत मिलता है कि बलूचिस्तान दक्षिण एशिया में प्रारंभिक कृषि विकास का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वत के उत्तरी अंचल में धान की खेती के भी उतनी ही पुरानी तिथि प्राप्त होने की संभावना है। चूँकि प्रारंभिक कृषि प्रक्षेत्रों के बीच आपसी संबंध और प्रत्यक्ष संपर्क की कोई संभावना दिखाई नहीं देती, अतः इन सभी प्रक्षेत्रों का स्वायत्त विकास केंद्रों के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे है, अगली कुछ शताब्दियों के अंदर ही दुनिया के अन्य भागों में भी वनस्पतियों और जंतुओं की पालने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जैसे कि दक्षिणी चीन के हेमुदू से धान की खेती और भैंसा, कुत्ता और सुअर को पालतू बनाए जाने के प्रमाण हमें 6वीं शताब्दी के अंत में और पश्चिमी शताब्दी के आरंभ में हमें मिलना शुरू हो जाता है। 5000 ईसा पूर्व में मेक्सिको के लोग क्या मकाई, सेम, कद्दू, कुम्हड़ा, मिर्च, आवोकाडो, ये एक प्रकार का फल है आप सभी जानते होंगे, आदि की बागवानी एवं टर्की जो है एक प्रकार की चिड़िया, कुत्ता और मधुमक्खी पालन करते थे। इसी काल में पेरू की ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले समुदाय भी आलू, टमाटर, सेम, कद्दू उगाने के साथ साथ लामा एवं अल्पाका जैसे जानवरों को भी पालतू बना चुके थे। अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के विभिन्न पर्वत पर्यावरणीय इलाकों में महुआ, बाजरा, धान, टेफ और रतालू की खेती के साथ साथ भेड़ बकरी और मवेशियों को पाला जाने लगा था। इन वनस्पति और पशुओं का प्राथमिक पालतूकरण इन इलाकों में हुआ जहां इन प्रजातियों का प्राकृतिक अधिवास रहा था, किंतु शीघ्र ही वहां से निकलकर वे दुनिया के विभिन्न भागों में अपने द्वितीय अधिवासों में फैल गए। तो स्टार्टिंग यहाँ पर बताई गई है। अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो जगह है। तो यहाँ पर जो है हमने जरीको देखा था, एन हो गया, गजल हो गया, तो ये वाला जो है पश्चिम वाला है, पूर्वोत्तर और उत्तरी केंद्र। तो पूर्वोत्तर केंद्र में हम देखते हैं मेहरगढ़, लहुरा देव, कोल्डी हवा, स्प्रिट गुफा
और अली कोश, ऐन गज़ल, जरी को, तो ये सारे हमारे पश्चिम में पड़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो है ऐन मल्हा, टेकू, आकाक, गुलाई, नक्यूजट गुफा, तो इस तरह से ये हमें मैप में देखने को मिलते हैं।